नमस्कार, झारखंड NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2021-22 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 5 वीडियो है। इससे पूर्व हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया है। उसी कड़ी में प्रस्तुत है यह पार्ट 5। इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 61 से लेकर प्रश्न संख्या 75 तक के प्रश्नों को हल किया है। ये मेंटल एबिलिटी के प्रश्न उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इस वर्ष अथवा इसके आगे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो झारखंड से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हैं, से हो, मध्य प्रदेश से हो, या किसी अन्य राज्य के छात्र छात्रा हो, उन सभी के लिए यह उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 यहां है। लुप्त संख्या हमें बतानी है, तो यहां देखिए एक वृत्त दिया हुआ है। यहां पहले वृत्त में 1, 2, 3, 4 और बीच में एक छोटा वृत्त है, यहां 10 है। फिर दूसरे में भी देखिए इसी तरह से है, चारों ओर एक बड़े वृत्त में चारों ओर 2, 3, 4, 5 है और फिर यहां बीच में 14 है, 14। और तीसरे में बड़े वृत्त के अंदर 4, 5, 6, 2 है और बीच का जो छोटा वृत्त है यहां क्वेश्चन मार्क है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी। तो आइए थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं। तो ये देखने के बाद ये पता चलता है कि ये किस रूल के अंतर्गत बीच में संख्याएं दी गई हैं। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 3 और 3, 6 और 4, 10। तो देखिए बीच में आ गया 10। ऐसे है 1 + 2 + 3 + 4 = 10, तो बीच में 10 दिया गया है। इस यहां देखिए दूसरे वाले सर्कल में 2 + 3 + 4 + 5 और इसे जोड़ते हैं तो 2 और 3, 5 और 4, 9 और 5, 14। तो हमें रूल पता चल गया कि किस रूल के तहत ये बीच में संख्याएं लिखी गई हैं। ये बाहर वाली संख्याओं को जोड़ दिया गया है, तो यहां भी हम जोड़ते हैं, 4 + 5 + 6 + 2, तो ये हो जा रहा है 4 + 5, 9 और 6, 15 और 2, 17। तो इस तरह से ये चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 62 यहां आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल है यानी आयत है और यहां ये संख्याएं दी गई हैं और इसके बाहर भी कुछ संख्याएं दी हुई हैं। तीसरे वृत्त में भी, तीसरे आयत में भी इस तरह से है, लेकिन ये बीच वाले जो आयत है इसमें ये एक जगह पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये संख्याएं किस रूल के अंतर्गत दी गई हैं उसे हमें पहले पता करना होगा। तो ये स्पष्ट यहां दिख रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1। अब तीसरे वाले में देख रहे हैं, दूसरे को भी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहां पर ही क्वेश्चन मार्क है। यहां भी 4 का अगर वर्क करते हैं तो 16 आता है, 5 का वर्क करते हैं तो 25 आता है, 6 का वर्क करते हैं 36 आता है, 7 का वर्क करते हैं तो 49 आता है। अब ये रूल हमें पता चल गया कि ये वर्ग करना है। यहां भी देखिए 4 का वर्क किए 16 हो गया, 6 का वर्क 36, 2 का वर्क 4, तो यहां 8 का वर्क करने से कितना आएगा, 64। तो क्वेश्चन वाले जगह पर हमारा कितना संख्या आ रहा है,
64 यानी 64। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 63, यहां देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और ऊपर में यहां दो संख्याएं दी हुई हैं, फिर नीचे में भी दो संख्याएं दी हुई हैं। इसी तरह से यहां दो इस तरह से दिया गया है और तीसरे वाले में यहां क्वेश्चन मार्क है, तो ये बताना है। तो आइए देखते हैं कि क्या रूल यहां फॉलो हो रहा है। तो यहां दो का अगर हम क्यूब करें तो ये 8 हो जाता है, 3 का क्यूब करें तो 27 हो जाता है, 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64, 5 का क्यूब करें तो ये 125। ये रूल हमें पता चल गया। यहां भी देख रहे हैं 6 का क्यूब करेंगे तो 216। तो ये जो क्वेश्चन वाला जगह है तो इस क्वेश्चन की जगह ये 7 का क्यूब आएगा और 7 का क्यूब होता है ये 7 × 7 × 7 बराबर 343। तो यहां पर हो जाएगा 343, 343। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 64, यहां देखिए 3 त्रिभुज दिए हुए हैं, है ना। तो अब इसमें बताना है कि ये जो शीर्ष हैं त्रिभुज के उसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, यहां 1, 2, 4 और यहां 3, 6, 8 और इनके बीच में भी संख्याएं हैं, यहां 21 है, यहां 109 है। तीसरे वाले में बीच की संख्या की जगह क्वेश्चन मार्क है, तो हमें बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो रूल को देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहां एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम यहां पर 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, तो ये यहां पर हो जाएगा 1 + 16 + 4, ये हो जा रहा है 21। देखते हैं क्या यही चीज यहां भी है, यहां भी करके देखते हैं 3² + 8² + 6² ये जोड़ते हैं तो ये 9, ये 64 और ये 36, तो ये 109 आ गया। ये रूल हमें समझ में आ गया कि ये जो शीर्ष में जो संख्याएं दी हैं इनका वर्ग करके जब हम जोड़ते हैं तो जो आता है वही बीच में दिया गया है। तो यहां भी वही करेंगे, 4² + 7² + 5², तो ये हो गया 16 + 49 + 25। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 90। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65, यहां भी हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब इसका भी रूल देखना होगा, यहां 8 है, 7 है और यहां 1 है, यहां 9 है, 4 है और 125 है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 8 से 7 घटाए तो 1 आया और 1 का हम क्यूब करते हैं तो वो 1 आ जाता है। यहां भी 9 से 4 घटाए तो 5 आया और 5 का क्यूब करते हैं तो ये 125 आया। यहां 10 घटाओ 7 3 आया और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आया। क्वेश्चन नंबर 66, 2, 4, 6 और बीच में दिया हुआ है 48। यह है 3, 4, 5 और बीच में 60 और इसी तरह से बीच में बताना है। ये जो त्रिभुज है तो अब इसका क्या रूल, किस रूल से ये बीच में दिए गए हैं वो हमें बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग लाइए, अगर हम इसे ऐसा करें 2 × 6 × 4 तो कितना होता है, 2 × 6 = 12, 4 × 48
और इसी तरह से यहां 3 × 4 × 5, 3 × 6 = 12, अब 12 × 5 = 60। तो ये हमें रूल पता चल जा रहा है कि ये जो शीर्ष में संख्याएं दी गई हैं उनका गुना करते हैं तो वो बीच की संख्या हमें मिल जा रही है। तो इसी तरह से यहां करते हैं 4 × 6 × 5, तो ये हो जा रहा है 4 × 6 = 24 × 5 = 120। तो यहां बीच में होगा 120 और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 67। यहां भी ये एक इस तरह से बनाया गया है और इसके ऊपर में यहां 9 है, फिर 9 है और नीचे 72 है। यहां पर 12 है, 11 है, फिर 133 है। यहां 15 है, 10 है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमें देखना है कि किस रूल से ये यहां 72 और 133 आ रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर 9 का स्क्वायर करके और इससे 9 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 81 − 9 = 72। तो ये एक आ गया। अब देखते हैं क्या यही रूल दूसरे में भी फॉलो करता है या नहीं। तो यहां पर 12 का स्क्वायर करके अगर हम 11 घटाते हैं तो ये 144 − 11 यानी ये आ गया 133। तो ये सही है यहां पर, अर्थात यही रूल यहां फॉलो होगा। तो यहां हम करते हैं 15 का स्क्वायर घटाओ 10, तो ये हो जाएगा 225 − 10, 215। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखें, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और यहां कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इसमें बॉक्स बना दिया गया है और इसके अंदर भी स्क्वायर है और ये 9 स्क्वायर है और इसमें हर स्क्वायर में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन यहां लास्ट में यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी। तो हमें देखना है कि किस रूल के तहत इसमें संख्याएं डाली गई हैं। चेक करने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह से जोड़ते हैं 36 में हॉरिजेंटली, तो 8, 9, 17 और 10, ये 27 हो गया। इससे जोड़ते हैं 10, 8, 18 और 7, 25। तो यहां पर एक देख रहे हैं कि 2, 2 घट रहा है। चलिए अब वर्टिकली भी जोड़ के देखते हैं, 8, 10, 18 और 7, 25, 9, 8, 17 और 8, 25। तो वर्टिकली जब हम देख रहे हैं तो यहां ये 25, 25, तो यहां भी 25 आना चाहिए। तो 10 और 7 और ये अगर ये 8 डालते हैं तो ये 25 हो जाएगा। और हॉरिजेंटली जोड़ के देखते हैं तो 7, 8, 15 और 8, 23। तो देख रहे हैं यहां 27 से 2 घटा 25, 25 से 2 घटा 23 और वर्टिकली सब 25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए 8। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ये क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही आसान लग रहा है। देखिए यहां 4, 5 और 81 है, यहां 3, 4 और ये 49 और यहां पर 5, 7 और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, ये 4 जोड़ 5 ये 9 होता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 81। यहां भी देखते हैं 3 जोड़ 4 ये 7 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर = 49। तो ये रूल हमें पता चल गया है। तो इसी रूल के तहत यहां भी होगा 5 जोड़ 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 144। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, यहां भी इसी तरह से दिया हुआ है। तो 15 है, 25 है और यहां पर 20 है, यहां 20 है, 28 है और ये 24 है, और तीसरे वाले में 40 है, 50 है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 15 और 25 अगर इसे जोड़ते हैं तो ये 40 होगा, 15 जोड़ 25 40 हो रहा है, और इसको 2 से अगर भाग दे देते हैं तो ये 40 बटा 2 यानी 20 आ रहा है। देखते हैं क्या ये रूल यहां भी फॉलो हो रहा है, 20 जोड़ 28 ये 48 हुआ, 2 से भाग दिए तो ये 48 का 2 से भाग हुआ तो ये 24। तो यहां भी देख रहे हैं ये रूल फॉलो हो रहा है, तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, 40 जोड़ 50 और इससे 2 से भाग दिए तो ये 90 का 2 से भाग हुआ, आधा हो गया तो ये हो गया 45। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 71, ए बी का पुत्र है तथा बी सी की बहन है, यदि सी एक पुरुष है तो बताएं कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। बी सी की बहन है तो ये मान लीजिए ये सी है और ये पुरुष है, इसकी जो बहन है, इसकी बहन जो है वो है बी, सी की बहन है बी, और बी का बेटा है ए, है ना। तो सी का ए से क्या संबंध है, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं सी की बहन है बी और बी का बेटा ए है, तो सी ए का मामा होगा और ए सी का भांजा होगा, यानी उसकी बहन का बेटा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, यहां भी एक सर्कल दिया हुआ है और इससे 8 भागों में बांटा गया है और हर भाग में एक एक संख्याएं दी गई हैं, अंत में यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, 7 में संख्याएं हैं, एक 8वां में क्वेश्चन मार्क है, तो ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं शून्य से, शून्य में अगर हमने 3 जोड़ा तो ये 3 आ गया, 3 में अगर 5 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में हमने 7 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 में हमने क्या जोड़ा, 9 जोड़ा 24, 24 में 11 जोड़ा तो 35, और 35 में 13 जोड़ा तो 48 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये विषम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, लगातार विषम संख्या, 3 यहां 3, 3 5 7 9 11 13, तो इस बार हम क्या जोड़ेंगे, 15, तो 48 में 15 हम जोड़ेंगे तो क्या होता है, 48 जोड़ 15, 8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1 6, 63, 63। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब ये देखिए दिशा वाला है प्रश्न है, तो दिशा वाले प्रश्न में यहां तो पहले से क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऊपर की ओर नॉर्थ है, नीचे की ओर साउथ है, और इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, और ये डायग्राम यहां तो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो कोई इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। श्याम अपने घर से पूरब दिशा में, तो ये पोजीशन हम मान लेते हैं श्याम का घर है, तो इधर से पूरब दिशा में जा रहा है, ये देखिए तीर के निशान में कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इसके बाद वो बाएं मुड़कर, देखिए बाएं मुड़ जाता है, कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। तो बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो यहां तो ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया गया है, ये तीर के निशान में जा रहा है और ये तीर की किधर है, ये नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में वो जा रहा है,
तो ये वाला हमारा पहला नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 16 जोड़ने और 10 घटाने के लिए कहा गया था, परंतु उसने गलती से 16 घटा दिया और 10 जोड़ दिया, इस प्रकार उसको उत्तर 14 प्राप्त हुआ, सही उत्तर क्या था। मान लीजिए कि ये जो संख्या है इसे हम मान लेते हैं x, अब इसमें क्या करना था, 16 जोड़ना था और घटाना कितना था, 10 घटाना था, तो ये इसका अर्थ ये हो गया ये x प्लस 6, ये हमारा आंसर होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, इसमें क्या किया 16 घटा दिया और 10 जोड़ दिया, तो ये आ गया x घटाओ 6, लेकिन ये कितना आया, वास्तव में आया उसे 14, तो x घटाओ 6 बराबर 14, तो इससे हमें x बराबर मिल गया 14 और जोड़ 6 बराबर 20, अर्थात वह संख्या 20 थी, तो यहां पूछ रहा है सही उत्तर, तो सही उत्तर तो ये होगा x प्लस 6 यानी 20 जोड़ 6 अर्थात ये 26, ये दूसरा नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 75, आलोक पूरक की ओर 5 किलोमीटर चला, तो पहले जैसे डायग्राम था ये हम मान लिए ये है आलोक का घर, या जहां से शुरू कर रहा है वो चलना आलोक यहां से, तो ये फिर एक ये डायग्राम बना दे रहे हैं कि कौन सी दिशा किधर है, तो ये ऊपर की दिशा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है पूरब की ओर, तो यहां से वो 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, ये 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, अब वह दाहिनी ओर घूमा, तो इसका दाहिना किधर होगा, ये इधर होगा और ये 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर, वह फिर बाईं ओर घूमता है, तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा और इधर वो कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर, तो बताएं वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो देखिए ये कौन सी दिशा है, ये पूरब दिशा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आशा है कि जो प्रश्नों का हल मैंने प्रस्तुत किया और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।